हेलो स्टूडेंट्स, देखें हैं बच्चों, आज मैं नंबर थ्योरी में जो कॉन्ग्रुएंसी टॉपिक चल रहा है उस पर एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल में इसे यूज करके दिखाएंगे, एक इस पर ही बेस्ड न्यूमेरिकल लेंगे। तो देखें बच्चों, पहले मैं ये क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम वन, मतलब ए और बी के बीच में ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम वन एंड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम टू, मतलब ए और बी एम वन के साथ में भी जो है वो कॉन्ग्रुएंसी रख रहे हैं, ए और बी एम टू के साथ में भी कॉन्ग्रुएंसी रख रहे हैं। तो एंड एम वन एम टू का एलसीएम, एलसीएम को वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये स्क्वायर ब्रैकेट से एम है, M इज एलसीएम ऑफ M1 एंड M2। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि A और B की कॉन्ग्रुएंसी M के साथ में भी होगी, A और B की कॉन्ग्रुएंसी M के साथ में भी होगी। इस रिजल्ट को शो करने से पहले बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल बना करके मैं दिखा रहा हूँ। मैंने 8 और 12 लिया, 8 और 10 ले लेता हूँ, चलो 12 भी डालने देता हूं। मैंने 8 के मल्टीपल्स निकाले, 8 के मल्टीपल्स मैं एलसीएम एक सिंपल मेथड से ना निकाल करके, जो एक्चुअल मेथड है एलसीएम निकालने का उससे निकाल करके दिखा रहा हूं, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। 8 का मल्टीपल 8 है, 8 का मल्टीपल 16 है, 24 है, 32 है, 40 है, 48 है, 56 है, 60। इस प्रकार से 8 के मल्टीपल्स इनफाइनाइटली मैनी मल्टीपल्स हो सकते हैं। 12 के मल्टीपल देखो, 12, 24, 36, 48, 10, और नेक्स्ट मल्टीपल इसमें 8 का 72 आएगा। इनफाइनाइटली मैंने मल्टीपल्स देख लिया। अब मैं कॉमन मल्टीपल देख रहा हूं, कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12, देखें 24 दोनों में है, 32 यहाँ है, 32 यहाँ नहीं, 36 यहाँ है यहाँ नहीं, 40 यहाँ है यहाँ नहीं, 48 यहाँ है यहाँ नहीं, 48 दोनों में, 48 यहाँ नहीं, तो 48 आया। अब देखो 60 यहाँ है, 60 यहाँ नहीं है, 56 यहाँ है यहाँ नहीं है, 64 यहाँ है यहाँ नहीं है, 72 यहाँ है यहाँ भी है, 72। इस प्रकार से ये हमारे पास में 8 और 12 के इनफाइनाइटली मैनी कॉमन मल्टीपल्स होंगे। अब देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12, कोई तो बच्चों 8 और 12 ऐसे करके लिख दे, तो लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आया, 24 ये आया। अब मैं इस चीज को ही दिखाते हुए इस रिजल्ट को प्रूव करूंगा। देखें, सलूशन दे रहा हूं, सिंस या गिवन दैट क्या गिवन है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी
मॉडुलो एम एंड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। इसका मीनिंग क्या था? जैसे मैंने कहा 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू मैंने ये लिखा। इसका मतलब क्या था? 22 माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 9। इस बात का मतलब यह हुआ, ये मतलब क्या हुआ? 22 माइनस 4 को 9 डिवाइड कर देगा, तो 22 माइनस 4 18 हुआ, 18 को 9 डिवाइड कर रहा है, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है दैट एम्प्लाइज एम वन डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, एंड इस रिजल्ट से एम टू डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को। यह आया इस डेफिनेशन से, हमने लिख लिया बच्चों। तो देखो एम वन भी डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को और एम टू भी डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को। तो ए माइनस बी को एम वन भी डिवाइड कर रहा है और ए माइनस बी को एम टू भी डिवाइड कर रहा है। एम वन डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को और M2 भी डिवाइड कर रहा है। अब यहां पर देखो, सबसे पहले मैं चलो इसे दिखाऊं 24 ही समझ लो A माइनस बी है, तो 24 को A डिवाइड कर रहा है और 24 को 12 भी डिवाइड कर रहा है। अब 24 के बाद ये वाला लेकर के देख लो, 48 को 8 भी डिवाइड कर रहा है और 48 को 12 भी डिवाइड कर रहा है। 72 को देख लो, 72 को 8 भी डिवाइड कर रहा है, 72 को 12 भी डिवाइड कर रहा है। तो इनमें से कोई एक a माइनस बी होगा, ये a माइनस बी हो सकता है या a माइनस बी ये हो सकता है या a माइनस बी ये हो सकता है। तो हमारे पास में जो ये a माइनस बी अगर 24 है, a माइनस बी अगर 48 है, a माइनस बी अगर 72 है, तो ये क्या हुए? ये कॉमन मल्टीपल है 8 और 12 के 8 और 12 से डिवाइड हो रहे हैं। ये यहां पर डिवाइड हो रहा है M1 से डिवाइड हो रहा है ए माइनस बी, एम टू से डिवाइड हो रहा है ए माइनस बी। तो ये ट्रीट कर रहा है एक एम वन और ये एम टू की तरीके से। तो और 24 हो सकता है ए माइनस बी, 48 हो सकता है ए माइनस बी, 72 ए और आगे भी हो सकता है। तो ए माइनस बी क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल हो गया। That implies a minus b is common multiple of m1 and m2. m1 और m2 का common multiple हो गया। आगे क्या कह रहा है? M1 और M2 का सिंस M1 और M2 का LCM M है,
8 और 12 का एलसीएम मेरे पास में 24 है। तो देखो 8 भी 24 को डिवाइड करेगा और 12 भी 24 को डिवाइड करेगा। 8 भी 24 को डिवाइड करेगा और 12 भी 24 को डिवाइड करेगा। दैट एम्प्लाइज एम वन भी डिवाइड करेगा, एम वन डिवाइड करता है एम को एंड एम टू भी डिवाइड करेगा एम को। मतलब जिनका एलसीएम लिया जिन नंबर का वो एलसीएम को डिवाइड करते हैं। एट भी डिवाइड कर रहा है, ये एम वन है, ये एम टू है, ये ए माइनस बी है। तो हमारे पास में M1 भी डिवाइड कर रहा है M को और M2 भी डिवाइड कर रहा है M को। अब बच्चों एक चीज देखो, और A माइनस बी एक कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल मैंने कह दिया ये है 48 है। तो हमारे पास में जो जिसका एलसीएम निकाला 8 भी तो डिवाइड करेगा हमारे पास में किसके लिए, 48 के लिए 8 डिवाइड करे। अब देखो M1 डिवाइड कर रहा है M को, M1 डिवाइड कर रहा है M को, M1 डिवाइड कर रहा है M को, और ये M है LCM, यही तो है, ये M है और ये M1 है, ये M2 है। तो M1 डिवाइड कर रहा है इसे और M2 भी डिवाइड कर रहा है 24 को। और बच्चों देखिए M1 डिवाइड कर रहा है M को, M1 डिवाइड कर रहा है M को, 8 डिवाइड कर रहा है 24 को, 12 डिवाइड कर रहा है 24 को। तो हमने और कोई कॉमन मल्टीपल ले लिया, 48 ले लिया, तो ये यही तो है M, तो ये 48 बच्चों किसे डिवाइड करेगा, 48 को, यही तो a माइनस बी था। 24 48 को डिवाइड करेगा। तो देखो तो m1 और m में छोटा कौन है, m1 और m में छोटा है हमारे पास में a, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, और ये वाला और उससे ही बड़ा है। ये मैंने कहा 8 है, ये 24 है और ये 48 है, ये 8 है और ये 24 है, और a माइनस बी 48, ये वाला कॉमन मल्टीपल लिया क्योंकि a माइनस बी कॉमन मल्टीपल है m1 और m2 का a माइनस बी। तो देखो बच्चों यहां पर m1 डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, तो m डिवाइड करेगा a माइनस बी को, 24 डिवाइड करेगा 48 को, करेगा। तो हमारे पास में क्या ले सकते हैं, m डिवाइड करेगा a माइनस बी को। देख लेते हैं बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, कभी कभी ऐसा हो जाता है मैं बनाता चला जाता हूँ और देखो बच्चों वही हुआ, नहीं दिखाई दे रहा, ये पार्ट नहीं दिखाई दे रहा, ए माइनस बी मैंने इसे ले लिया। तो बच्चों यहां आप लोग देख रहे हो ये जो 24 है ए माइनस बी 48 को डिवाइड कर रहा है, 48 को डिवाइड कर रहा है। ये वाला देखो बच्चों, ये दिखाई दे रहा है नहीं,
हाँ ये दिखाई देता है। तो हमारे पास में हम क्या लिख सकते हैं इससे, हम इससे ये लिख सकते हैं बच्चों कि therefore a minus b is multiple of m। कैसे, 8 में हमारे पास 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल आए थे हमारे पास में, अलग कर दिया, देख लेते हैं। एट और ट्वेल्व कॉमन मल्टीपल क्या है ऑफ एट एंड ट्वेल्व, ट्वेल्व आए थे सॉरी 24 आया था, फिर हमारे पास में 48 आया था, फिर हमारे पास में 72 आया था, ये लिखे थे मैंने। 8 और 12 का एलसीएम मेरे पास 24 है, सबसे छोटा मल्टीपल। अब मैं कॉमन मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो मैं क्या हूं, देखो 24 का भी मल्टीपल अब 24 के इस एलसीएम के मल्टीपल देखूं मैं, 24, 48, 72, तो ये जो कॉमन मल्टीपल 8 और 12 के आए वो 24 के भी वही कॉमन मल्टीपल होंगे। तो एलसीएम जो m आया है उसके मल्टीपल भी वही हैं जो M1 और M2 के कॉमन मल्टीपल हैं। तो M1 और M2 का कॉमन मल्टीपल है a-b, तो M1 और M2 का LCM है M, तो M का कॉमन मल्टीपल, M का मल्टीपल भी a-b होगा, a-b इज मल्टीपल ऑफ M, तो दैट एम्प्लाइज M डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, दैट एम्प्लाइज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, यही तो दिखाना था। ऑल्सो प्रूव्स द कन्वर्स, कन्वर्स में हमें क्या ले लेना है, ये दिखा देना है। तो हम देखें कन्वर्स दिखाते हैं इसका बच्चों, कन्वर्स के लिए इसका कन्वर्स दिखाते हैं बच्चों। कन्वर्स कन्वर्स में ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो M, हमें ये लेना पड़ेगा एंड M1 और M2 का LCM हमें M लेना होगा, ये और ये लेकर के हम ये दिखा देंगे
कि हमारे पास में A इज कॉन्ग्रेंट टू B मॉडुलो M1 एंड A इज कॉन्ग्रेंट टू B मॉडुलो M2, ये दिखाएंगे हम बच्चों। तो देख लेते हैं बच्चों, सब कुछ सही चल रहा है, गड़बड़ तो नहीं है। तो देखिए बच्चों आगे चलता है, सही चल रहा है। हमने क्या ये दैट एम्प्लाइज M divides A minus B and अभी बच्चों मैंने 8 का और 12 का LCM निकाला था 24। तो देखो 8 divide 24 को भी कर रहा है और 8 divide 12 भी divide कर रहा है 24 को। तो इसका मतलब हुआ M1 भी डिवाइड करेगा, M1 डिवाइड करेगा M को, M2 भी डिवाइड करेगा M को। अब एक चीज देखिए बच्चों, हमारे पास में हमने कहा 8 डिवाइड कर रहा है 24 को, 12 डिवाइड कर रहा है 24 को, और कहीं 24 जो LCM है वो डिवाइड कर रहा हो किसी भी इंटीजर को, जैसे मैंने कह दिया 72 को, ये M है, ये M1 है और ये M2, और ये क्या है, ये A - B है। तो देखो M1 है 8, 8 डिवाइड कर रहा है 24 को, 12 डिवाइड कर रहा है 24 को, तो 24 जब 72 को डिवाइड कर रहा है तो यहां पर हम 8 भी तो डिवाइड करेगा 72 को और 12 भी तो डिवाइड करेगा 72 को, 8 डिवाइड करेगा। तो हमारे पास में डेट एम्प्लाइज M1 divides A minus B and M2 divides A minus B. That implies, इससे क्या पता चल रहा है, A is congruent to B modulo M1 and इससे क्या पता चल रहा है, A is congruent to B modulo M2। तो ये रिजल्ट हमने दिखा दिया, A is congruent to B modulo M1 and A is congruent to B modulo M2, ये लेकर के चले थे ये वाला, इससे ये तो कन्वर्स भी ट्रू है हमारे पास में, दोनों केसेस ही ट्रू हैं। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे प्रशंसा किसे बुरी लगती है। अप्रिशिएट करेंगे मेरे लिए, इंस्पायर्ड होऊंगा अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बहुत अधिक इंस्पायर्ड होऊंगा और वीडियोज बनाता रहूंगा आपके लिए, आप लोगों की खिदमत में लगा रहूंगा। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरे चैनल पर आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है, डिफिकल्ट डिफिकल्ट पेपर्स पहले अपलोड कर रहा हूँ, जैसे टेंसर, मॉडर्न एल्जेब्रा, टॉपोलॉजी बीएससी और एमएससी में है जो, और नंबर थ्योरी ये जो चल ही रहा है, जो आपको मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक लगता होगा, पेपर लगता होगा, वो मैं पूरा ईजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर, और बच्चों आपके पास में पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी, जाकर के देखिएगा और लाभ उठाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।